तलवान यूनियन की जीत को? ये जीत जनता का है, ये जीत स्टूडेंट का है, जो लगा ये जीत स्टूडेंट का है, ये जीत जनता का है। लगातार जो सरकार के नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ते जा रहा है, इसका जीत है। हमने देखा इस कैंपस में कैसे रिजर्वेशन को स्कटल कर दिया गया, हमने देखा इस कैंपस में कैसे सीट कट को इन लोगों ने डिफेंड किया, कैसे माइनॉरिटीज़ पर हमला किया, कैसे दलितों को बोलने नहीं दिया, उनके ऊपर दमन किया। आज हिंदुस्तान को बलूचिस्तान बनाने के पीछे लोग लगे हैं, और इस हमला और जुमला के अलावा पिछले 4 साल में कुछ किया नहीं। ये मैंडेट जो लेफ्ट यूनियन का है सारे देश भर में विशेष है कि हमें एकजुट होकर हमको लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर इस फासीवादी सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी नौकरी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए अधिकार के। अच्छा, आपके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं? अभी आप प्रेसिडेंट बने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके मतलब पिछले यूनियन पर लाखों लाख का फाइन लगाया है, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने हैं? कॉमरेड चंद्रशेखर के वारिस है। अच्छा, कॉमरेड भगत सिंह के वारिस है, उनको डर नहीं लगता है, डर उसको लगता है इसलिए उसके पास वो बंदूक निकालते हैं, डर उसको लगता है इसलिए वो फाइन डालता है, डाले करोड़ों रुपया डाले, हमको जनता पे विश्वास है, जनता हमारे साथ खड़ा है। अच्छा, जैसे DU में क्या नाम है EVM से कराया, EVM खराब हो गई, फिर उसके बाद AUP आगे बढ़ गया, NSU पीछे हट गया, तो और फिर यहाँ JNU में भी पिछले रात में दिन में देखा कि AUP के लोग किस तरह क्या नाम है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में घुस गए, गुंडागर्दी किए, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो पहले कभी नहीं होता था। चीफ इलेक्शन कमीशन सेंट्रल इलेक्शन कमीशनर ने बोला हमने EVM नहीं दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला हमने EVM नहीं दिया, कौन दिया? क्या जियो यूनिवर्सिटी से EVM आया? क्या रिलायंस जो फाइटर जेट बना रहे कहाँ से, वहाँ से EVM आया? तो EVM मार्केट से आया और इस EVM को टेम्पर किया गया, ये साफ तौर पे दिख रहा है, इसीलिए उनको बैलेट पेपर से डर लगता है कि जब जनता अपने आप को टप्पा लगा था टप्पा में लोग लगा नहीं सकते। आज JNUSU ने देखा जब उनके खिलाफ मैंडेट साफ होते जा रहा था, ये लोग जाके पोलिंग बूथ को कब्जा मार लिए, बट इस कैंपस के जो छात्र लोकतंत्र पक्ष में और अपने यूनियन के पक्ष में खड़े रहे और उनको करारा जवाब दिया, उनको मजबूर किया कि वो निकल के बाहर आए और ये चुनावी प्रक्रिया पूरा हो और वो उस बात को स्वीकार करें। अच्छा, ये क्या वजह है कि इस बार साइंस स्कूल में भी AUP का ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि स्टूडेंट एक तरफा वन साइडेड जो है लेफ्ट यूनिटी को वोट दिए हैं? फंड कट कराते हैं, CSIR में कोई पैसा नहीं है, स्टूडेंट अपना रिसर्च कहाँ से करेगा, अपना पढ़ाई कहाँ से करेगा, सब कहाँ से होने जा रहा है, इसीलिए हम लोगों को देखना पड़ेगा। छात्र छात्र होता है, सब चीज़ वो देखता है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, और जुमले और हमले को छात्र माफ नहीं करता है। ये आज साइंस के अगर मैंडेट आया तो स्टूडेंट का मैंडेट, जैसे हर सेक्शन का स्टूडेंट साथ खड़ा रहा अपने यूनियन के साथ संगत, वो भी साथ रहे हैं अपने यूनियन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने हक को। अच्छा, यहाँ फंड कट क्या नाम है फीस में बढ़ोतरी हुई है, सीट कट हुआ है, आप इसको किस तरह लड़ेंगे, आगे लड़ाई कैसे ले जाएंगे JNU के अंदर? जैसे हम लोग इस चुनाव को लड़े एक साथ, अच्छा, इस साल को भी लड़ा जाएगा, और मैं इस बात को गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, जो संघर्ष करता है हार नहीं होती, जीत होती। अच्छा, 2019 के जनरल इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, क्या आप जनता को ये पैगाम देना चाहते हैं यहाँ से कि भाई आप 2019 को मैं मोदी को हमको भगाना है, इस तरह कुछ? एक ही बात बोलना चाहता जी, JNU ने दिखाया यूनाइटेड वी आर डिफीटेड दे आर, हर क्षेत्र में हम लोगों को यूनाइटेड होने का ज़रूरत है, उनको डिफीट करने का ज़रूरत है, उनको मजा चकाने का ज़रूरत है, जो वादा नहीं निभा रहा है उससे वादा ये लेना होगा कि तुम वादा नहीं निभाए जाओ, तुम नौकरी नहीं दिलाए तुम्हारा नौकरी कम खाएंगे, अब हाय हाय मोदी जी नहीं होगा, बाय बाय मोदी जी। थैंक यू।